उनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के बाद हत्या का आरोप लगाए जाने के मामले में युवक का परिवार ग्रामीणों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक से मिला और निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए अपने लड़के को निर्दोष बताया है। नगला क्षेत्र के ग्राम नगला सेमर के मजरा नगला खाली निवासी में एक विवाहिता ने एक माह पूर्व अपने पिता के ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। सोमवार को थाना बरनाहल क्षेत्र के ग्राम छपरा निवासी हीरा लाल ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद हीरा लाल ने अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह को फोन पर प्रार्थना पत्र में कहा कि उनका लड़का दिलीप दुग्ध डेयरी का काम करता है, इस हत्या से उसके लड़के के कोई संबंध नहीं है। मेरे लड़के को हत्या के मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। मेरे लड़के के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पीड़ित पिता ने एएसपी से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए अपने बेटे को निर्दोष बताया है। क्या मामला है? ये मामला है। क्या मामला? हमारा मामला जो है निर्दोष बता रहे हैं। आपके लड़के को क्यों फंसा रही पुलिस? फंसा रही है और कोई फंसा रहा? लड़की बार एक रिपोर्ट झूठी लिखा रहे नाम से रंजेश बेदारा की लड़की खत्म हो गई है नगला खगी की और लड़का है क्या नाम उसका ढकुरा थाना परना है उसको रेप मर्डर केस में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। वो दोषी है, उसने कोई मर्डर नहीं किया है। वो अपने घर पे था 12:52 लड़की से बात हुई। लड़के ने कहा तब वो क्या नाम हमारी मतलब जीजा और हमारे क्या नाम वो आ गए हैं यहाँ पे दो लड़के और गए तो इस बीच लड़के ने बात की बस पुलिस फंसा रही है जबरदस्ती।